देखो हम लोग अब तक टैक्स में क्या पढ़े, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे एडवांस टैक्स पिछला क्लास में। एडवांस टैक्स का बेसिक लॉजिक क्या था कि साल ख़त्म होने के पहले पहले, हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि साल ख़त्म होने के बाद अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अपना सारा इनकम को एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स देना है और 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना है अगर हम नॉन ऑडिट वाला आदमी हैं, और अगर मेरा ऑडिट होना है तो 30 सितंबर तक मेरे को टाइम मिलेगा, उस बीच में हमको टैक्स जमा देना है, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना है। ये हम लोगों का बेसिक आइडियोलॉजी होता है टैक्स के बारे में। बट इसमें थोड़ा सा गलती है, इसमें गलती ये है कि साल के एंड का वेट नहीं करना होता। हम लोग एडवांस टैक्स चैप्टर में क्या पढ़े कि साल के मिड में भी हम लोगों को टैक्स कैलकुलेट करके क्वार्टरली टैक्स भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स। एक एज्यूम्ड बेसिस पर अपना इनकम को एज्यूम करके, एंटिसिपेट करके, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके, और फर्स्ट क्वार्टर में एक सर्टेन परसेंटेज 15% था, सेकेंड क्वार्टर में 45%, थर्ड क्वार्टर में 75% और फोर्थ क्वार्टर तक आते आते 100%। ये अपने एडवांस टैक्स में पढ़े। अब बात आता है अगर, यानी हमको क्या क्या काम करना है। हमको गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स देना है, हमको टाइमली रिटर्न फाइल करके देना है गवर्नमेंट को, और हमको जो भी डिफरेंस ऑफ टैक्स है वो भी टाइमली पेमेंट करना है। ये तीन बात आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आ रहे हैं। हमको गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स भी देना है, फिर एडवांस टैक्स के बाद साल ख़त्म होने के बाद जो भी डिफरेंस ऑफ टैक्स है वो भी एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर जमा देना है। जो भी कम, अगर हम कम टैक्स दिए एडवांस टैक्स के रूप में, अगर हम एडवांस टैक्स के रूप में कम टैक्स जमा किए हैं तो हमको और जो डिफरेंस है वो भी जमा करना है ईयर ख़त्म होने के बाद। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हमको टाइमली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। हम लोग ये तीन बात पढ़ें, ये तीन बात क्लियर है एकदम? हाँ या ना जयदीप? प्रिया, प्रिया सर, हम लोग ये तीन ही एंगल से बात कर रहे हैं ना, ये पिछले क्लास से इस क्लास तक, कि हमको एक तो सरकार को साल के बीच में भी टैक्स देना है जिसको एडवांस टैक्स बोलते हैं, एक साल ख़त्म होने के बाद प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करके हम जितना एडवांस टैक्स दे दिए और अभी भी डिफरेंस बच गया वो भी सरकार को जमा देना है, और तीसरा बात 31 जुलाई के अंदर या फिर 30 सितंबर के अंदर एक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, मतलब सरकार को अपना पूरा इनकम का डिटेल जमा करना है। अगर ये तीनों चीज में हम डिफॉल्ट करें तो गवर्नमेंट मेरे से इंटरेस्ट लेगा, लेट करने पे इंटरेस्ट लगता है ना, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो ये चैप्टर का नाम ही है इंटरेस्ट। देखो गवर्नमेंट कितना टाइप का इंटरेस्ट लेता है तुमसे इनकम टैक्स के ऊपर, 60 नाम दिखाई दे रहा है, 7 नाम, 7 का 7 आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, बीच में देखो 3, 4 और 5, फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगेगा अगर हम डिफॉल्ट करते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न टाइमली फाइल करने में। रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है? 31 जुलाई अगर हम इंडिविजुअल है जिसका ऑडिट नहीं हो रहा, और या फिर 30 सितंबर अगर हम कंपनी है या फिर मेरा ऑडिट हो रहा है, तो ये दो डेट के अंदर अपना हमको पूरा डिटेल जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसको बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। अगर हम उसमें डिफॉल्ट होते हैं, लेट होते हैं, तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 234A का। नंबर 4 पॉइंट देखो, डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स, अगर हम गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स देने में लेट होते हैं तो सेक्शन 234C का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर डिफॉल्ट इन एडवांस टैक्स तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर एडवांस टैक्स देने में लेट होते हैं, देखो दो चीज है, डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स मतलब एडवांस टैक्स दिए ही नहीं तो सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगेगा जितना लेट करेंगे, और दूसरा बात है एडवांस टैक्स दिए तो सही लेकिन देने में लेट हो गए तो सेक्शन 234C का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तीन इंटरेस्ट हमको पढ़ना है, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234A, डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स 234B, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234C। ये बात क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, अब एक एक करके पकड़ के पढ़ते हैं इनको। बात बाकी जो है वो अगर नाम याद रखने का, एक बार रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 में क्या बोला है, हम TDS जमा करने में फेल हो गए, मतलब टाइमली TDS काटे लेकिन जमा नहीं किए सरकार को। फेल टू कलेक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स, हम लोगों से कलेक्शन ही नहीं कर पाए TDS, मतलब TDS काटने ही भूल गए लोगों का, तो 206C का इंटरेस्ट लगेगा।
अगर हम एक्सेस रिफंड ग्रांटेड टू द एससीसी, अगर गवर्नमेंट हमको एक्सेस रिफंड दे दिया है, गलती से गवर्नमेंट हमको ज़्यादा रिफंड दे दिया, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? जो एक्स्ट्रा रिफंड आ गया गवर्नमेंट को वापस करें, अगर वो करने में लेट हो गए तो 234D का इंटरेस्ट। गवर्नमेंट मेरे को एक नोटिस भेजा कि तुम्हारा इतना अमाउंट अभी भी जमा देना बनता है, वो नोटिस का हम टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो 222 का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब इंटरेस्ट लगता है, आपको सारा नहीं पढ़ने का दरकार है, आपको केवल 3, 4 और 5 पढ़ने का दरकार है। ये पूरा चैप्टर आपका सेक्शन 234 बोल के भी फेमस है, सेक्शन 234A, 234B, 234C। अब एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा बात और है सर, राउंडिंग ऑफ कैसे होता है इनकम टैक्स में? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन राउंडिंग ऑफ होगा मल्टीपल ऑफ 100 में, मतलब अगर 240 रुपीज आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आपको वो कितना हो जाएगा 200, और अगर 290 इंटरेस्ट बन रहा है तो वो कितना राउंड ऑफ हो जाएगा 300, सॉरी वो भी हो जाएगा 200 में, मतलब आपका जो एक्स्ट्रा 40-90 ये सब रुपीज आ रहे हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। मान लो आप कोई डिले हुए, आपका टैक्स बनता है 10,000, मान लो उस पर 1% इंटरेस्ट बनता है तो 10,000 का सॉरी आपका टैक्स बनता है 10,520 रुपया, तो उसका 1% इंटरेस्ट कितना होगा 105 रुपया 20 पैसा। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट ऑफ 100 कौन सा है? 100 एग्जैक्टली, तो 100 रुपये में उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा है ना 40 रुपीज़ 90 रुपीज़, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट 240 बन रहा है तो भी वो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 200 में, और आपका इंटरेस्ट अगर 290 रुपीज़ भी बनता है तो भी वो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 200 में। मतलब ऊपर का फ्रैक्शन हमेशा इग्नोर हो जाएगा, गवर्नमेंट वो माफ कर देता है। छुट्टा नहीं देना? हाँ, छुट्टा पैसा नहीं देना है आपको, इंटरेस्ट राउंड ऑफ में देना है। अब आता है इंटरेस्ट का पीरियड कैसे राउंड ऑफ होगा। इंटरेस्ट का पीरियड हमेशा राउंडिंग ऑफ होगा मंथ्स में, मतलब अगर 1 महीना 5 दिन है तो आपको कितना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 महीना का, 1 महीना 1 दिन भी लेट हुए तो 2 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीना 25 दिन भी लेट हुए तो 2 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीना 29 डेज भी लेट हुए तो 2 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब मंथ हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होगा और इंटरेस्ट का फिगर हमेशा नीचे की तरफ राउंड ऑफ होगा, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे एक इंटरेस्ट एग्जांपल दिया है इंटरेस्ट पीरियड वाला में, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 अगस्त टू 5 दिसंबर। मान लो हम 5 दिसंबर को रिटर्न फाइलिंग किया, हमको रिटर्न फाइलिंग कब करना चाहिए था 31 जुलाई, है ना, हमको रिटर्न फाइलिंग कब करना चाहिए था 31 जुलाई। हम इंडिविजुअल आदमी है जिसका ऑडिट नहीं होता है, तो मेरे लिए रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है 31 जुलाई। हम रिटर्न फाइलिंग कब किया 5 दिसंबर को, हम कितना लेट हुआ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना 5 दिन, 4 महीना 5 दिन लेट हुआ हम। गवर्नमेंट बोलेगा भूल जाओ, तुम्हारे को 5 ही महीना लेट मानेंगे हम तो। हम बोलेगा अरे हम तो 5 ही दिन एक्स्ट्रा लेट हुआ, उसका भी इंटरेस्ट लोगे? पूरा महीना का बोला हाँ पूरा महीना का लेंगे। तो पीरियड हमेशा ऊपर की तरफ राउंडिंग ऑफ होगा और इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेशन हमेशा नीचे की तरफ राउंड ऑफ होगा। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं पहला डिले पे, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उसमें आप लेट हो गए। अगर तुम इंडिविजुअल हो विदाउट ऑडिट वाला पर्सन, तुमको 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहिए था, तुम नहीं कियो। अगर तुम कंपनी हो या फिर तुम्हारा ऑडिट होना था, तुम्हारे लिए 30 सितंबर डेट है, तुम उससे लेट हो गए, तुम उसके पहले पहले गवर्नमेंट को टाइमली डिटेल जमा नहीं किए, तो तुमको इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 1% फॉर एवरी मंथ। हमको 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना था, हम 30 सितंबर को जाके फाइल किया, हम कितना लेट हुआ? हमको 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना था, हम 30 सितंबर को रिटर्न फाइल किया, तो अगस्त सितंबर 2 महीना लेट हुआ हम, है ना? बिल्कुल सर। तो 2 महीना का 1% फॉर ईच मंथ, मतलब 2% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर 2% किसका, कौन से फिगर पे वो 2% कैलकुलेट करेंगे, वही अभी जानना है।
देखो ये चार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, टैक्स डिटरमाइंड एज पर रेगुलर असेसमेंट, तुम जो टैक्स कैलकुलेट करके निकाले उसमें से लेस कर लो, कोई एडवांस टैक्स दिए हो तो, कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिला तो वो भी माइनस कर लो, कोई TDS तुम्हारे नाम पे कटा हुआ है तो वो भी माइनस कर लो। अब जो फिगर बचा उस फिगर पे तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा इनकम मान लो 7 लाख रुपए है, मेरा इनकम 7 लाख रुपीज़ है, हमको कितना छूट मिलेगा? 2.5 लाख तक तो छूट है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, और फिर एक्स्ट्रा 2 लाख, 5 लाख से 7 लाख, उस एक्स्ट्रा 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट टैक्स कैलकुलेट होगा? 2 लाख का 20%, और 2 लाख का 20% कितना होगा? 40,000, 40 + 12,500, 52,500 मेरा टैक्स कैलकुलेशन निकला, 52,500 मेरा टैक्स कैलकुलेशन निकला। तो हम लिख दिए टैक्स डिटरमाइंड ऑन रेगुलर असेसमेंट 52,500। मान लो मेरा एडवांस टैक्स दिया हुआ था 10,000, तो अभी भी मेरा और कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है? 42,500। मान लो हमको कोई रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन मेरे एक पार्टी मेरा TDS काटा था, मान लो 10,000 का मेरा TDS भी कटा था, तो अल्टीमेटली हमको 32,500 गवर्नमेंट को टैक्स देना था। उस 32,500 का 2% मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 महीना लेट हुआ रिटर्न फाइलिंग में। तो ये है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर 234A। देखो यहाँ पे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ, और पीरियड तो हम बता चुके हैं, जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करना था उस दिन से आप जितना लेट हुए। अब देखो एक सम करते हैं, बेटर पिक्चर समझ में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस है 234A का ही सम्स आने का। हम बार बार बता देते हैं, 234A का ही सम सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक इंडिविजुअल आदमी है मिस्टर ए, एक कंपनी है ए लिमिटेड, और एक इंडिविजुअल आदमी है मिस्टर बी। मिस्टर ए का रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या था? 31 जुलाई, क्योंकि वो इंडिविजुअल आदमी है। कंपनी है लिमिटेड, उसके लिए रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है? 30 सितंबर। और मिस्टर बी भी एक इंडिविजुअल आदमी है, उसके लिए भी डेट है 31 जुलाई। पहले मिस्टर ए को सॉल्व करते हैं। तो मिस्टर ए का रिटर्न फाइलिंग का डेट था 31 जुलाई, वो फाइल कब किया? 4 दिसंबर। और इनकम टैक्स ऑफिसर उसका असेसमेंट कंप्लीट कब किया, मतलब वो पूरा चेकिंग करके उसको अप्रूव कब किया? देखो अपने रिटर्न फाइल करते हैं, गवर्नमेंट क्या उसको आंख बंद करके मान लेगा या कुछ चेकिंग करेगा? गवर्नमेंट उसका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका चेकिंग करेगा जो तुम डिटेल गवर्नमेंट को दिया अपने इनकम का, या गवर्नमेंट उसको आंख बंद करके मान लेगा? क्या लगता है आप लोग को, क्या लगता है आप लोग को, बोलो, गवर्नमेंट आंख बंद करके मानेगा कि नहीं मानेगा? मान लेगा सर। नहीं नहीं मानेगा जयदीप, ऐसे आंख बंद करके मानेगा तो विजय माल्या बोलेगा हम तो 1 रुपया कमाते हैं साल का। ये भी है, पूरा दुनिया यही बोलेगा हम तो कमाता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट आंख बंद करके नहीं मानता। हाँ सारा फाइल चेकिंग पॉसिबल नहीं है जयदीप, क्योंकि इंडिया में टोटल लगभग 30 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। हाँ सर। और ऑफिसर तुम्हारे पास शायद 3 लाख भी नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? स्क्रूटनी में नहीं, देखो होता क्या है जयदीप, कुछ फाइल को लोग ऊपरी तौर पे देख लेता है डिटेल, हाँ, और अप्रूव कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सबमिट कर दिया और उसको बिना देखे ठप्पा मार देगा, एक बार जस्ट गो थ्रू करके ठप्पा मार देगा। ओ अच्छा, ठीक है। कुछ फाइल पे उनको जब डाउट होता है, जो बड़ा इनकम वाला फाइल है उसका, हो सकता है तुमसे डिटेल मंगवाए और डिटेल में तुमसे चेक करवाए। मतलब जैसे तुम बोला हम साल का 30 लाख रुपया कमा रहे हैं, हाँ। अब गवर्नमेंट को डाउट है कि नहीं जयदीप 30 लाख नहीं कमा रहा है, जयदीप 50 लाख कमा रहा है, हाँ सर। तो जयदीप को गवर्नमेंट बोलेगा एक काम करो, तुम्हारा जो भी सेल का बिल है उनका पूरा कॉपी लेके आओ या प्रिंट आउट निकाल के लेके आओ, इसका बोलते हैं टैली में से, और तुम्हारा जितना भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट तुम्हारा ट्रेडिंग PL मांगेगा तुमसे। ट्रेडिंग PL को गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज करेगा और उसमें से उसको जिस जिस आइटम पे डाउट होगा, मान ले तुम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर दिखा के रखा है 2 लाख रुपए का, हाँ, और गवर्नमेंट को डाउट है कि तेरे बिजनेस में 2 लाख का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। जैसे अच्छा। हम एग्जांपल हम बोलते हैं, हम क्या लाइन में, हम तो ट्यूशन लाइन में, एजुकेशन लाइन में, तो मेरा अगर हम दिखा दे मेरा 3 लाख रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, हाँ,
मानेगा कोई? हम नहीं कहाँ सर। ट्रांसपोर्ट करने गए 3 लाख रुपया का, वही पढ़ाने तो के लिए, सर। काम के लिए। घूमने फिरने वाला खर्चा तुमका अलाउ नहीं होगा, तो मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है। हाँ बिजनेस रिलेटेड खर्चा तुम लोग भी कोई भी मानोगे कि हम 3 लाख या 2 लाख रुपया ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर दिया? नहीं भाई, सर, अगर हम नहीं स्कूल अगर हम स्कूल से घर आना जाना ओला उबर में भी करता तो भी मेरा 3 लाख खर्चा नहीं हो सकता साल का। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट हमको बोलेगा ठीक है तुम्हारे पर हम सीधा चोरी का इल्जाम नहीं लगाएंगे, तुम डिटेल सबमिट करो अपना। हाँ अब बिजनेस हो तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होगा तुम्हारे पास। बिल्कुल। तो वो दिखाओ। जैसे हम तुमको एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल बता देते हैं, हम जिस ऑफिस में एज ए सी ए जॉब करता था वहां पे मेरा बॉस एक पियानो खरीदा था। अच्छा सर। पियानो तो पर्सनल आइटम होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। वो सर। बोल रहा है उसको ऑफिस एक्सपेंडिचर का बिल में दिखा दो। और कैसे सर? अरे वही तो, मेरा बॉस मानने को तैयार नहीं, मतलब तुम दिखाओ ना, जो होगा दिखा जाएगा, फालतू का खर्चा दिखाना है ताकि टैक्स कम हो जाए। ओ ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमको कॉल किया कि ये तुम्हारा ये जो कंपनी का फाइल में यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इसमें 3.5 लाख का एक खर्चा है। तो 3.5 लाख का तुम क्या एंटरटेनमेंट पे खर्चा किए बताओ? तो हम लोग उसको बिल दिखाया तो बिल में पियानो लिखा हुआ था। तो वो बोला ये पियानो कैसे तुम लोग ऑफिस के लिए खरीदा, ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस में कैसे अलाउड होगा? वही तो। अब मेरा बॉस तो बोलता नहीं नहीं तुम आर्ग्यूमेंट दो उसको। तो हम आर्ग्यूमेंट दे के आया, ऑफिसर हंसने लगा बाद में, हालांकि पैसा खा के अंदर द टेबल उसको साइन कर दिया वो। बट बात है कि ऑफिसर हंसने लगा। ऑफिसर हम उसको रीजन क्या दिया, बोला सर ऑफिस में ना 1000 के ऊपर एम्प्लॉई है और ये कॉल सेंटर है, तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस बहुत होता है कस्टमर से बात करते करते, तो एम्प्लॉयज पियानो बजा के अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है ये। तो मेरा जो आईटीओ था जो इनकम टैक्स ऑफिसर वो हंस रहे, मतलब तुम लोग कुछ भी रीजन लेके आते हैं। तो ना हम भी हंसने लगा। तो बोलता हाँ तुम, वो हमको बोला तुम भी क्या करोगे, तुम्हारे कंपनी का हेड जो तुमको बोलेगा तुमको तो आगे अनजस्टिफाई करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो वो भी हंस रहा था, फिर वो सेटिंग वेटिंग हो के काम खत्म हुआ, वो अप्रूव कर दिया बिल को टिक मार के। तो ये सब होता है। तो जो भी कहानी है, तो यानी इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा सबमिट किया हुआ डिटेल को एक बार गो थ्रू करेगा और वो अपना स्टैंप लगा देगा उस पर। इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, मतलब वो एसेस कर लिया, वो चेक कर लिया और उसको कंप्लीट करने का स्टैंप लगा दिया। तो यहां मिस्टर ए रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या था उसका, 31 जुलाई। वो कब फाइल किया, 4 दिसंबर। इनकम टैक्स ऑफिसर अपना असेसमेंट कंप्लीट कब किया, 1 मार्च को। ठीक है। इनकम एज पर रिटर्न वो मिस्टर ए अपना इनकम कितना दिखाया है, 5,80,000। इनकम टैक्स ऑफिसर जो उसका फाइनल कैलकुलेशन निकाला है वो बोला नहीं तुम 5,80,000 नहीं कमाया, तुम 6,10,000 रुपया कमाए। मतलब हो सकता है 30,000 का कुछ गलत एक्सपेंडिचर दिखाया था जिसको वो कैंसिल कर दिया, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम 30,000 का एक्सपेंडिचर दिखा के अपने इनकम को कम कर लिया था। हाँ सर। इनकम टैक्स ऑफिसर उस बिल को जब चेक किया उसको लगा ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, हम इसको कैंसिल करेंगे। बिल्कुल। वो कैंसिल करके बोला तुम्हारा इनकम अब 6,10,000 है, उस पर टैक्स दो। ठीक है चलो, वो जो बोला हमको मानना पड़ेगा, या तो हम आर्ग्यूमेंट करें, केस करें उसके ऊपर, मतलब इसको और लड़ें इनकम टैक्स ऑफिसर का जो हाई इनकम टैक्स ऑफिसर का जो अलग अलग कोर्ट होता है वहाँ जाके हम केस करें, हम बोले नहीं ये गलत है, ये एक्सपेंडिचर करेक्ट है, हम प्रूफ करें। मान लो हम प्रूफ नहीं किया, हम उसका बात मान लिया। इसके अलावा हम एडवांस टैक्स दे के रखा है 10,000 और मेरा TDS भी कटा हुआ है 10,000, और जिस दिन हम रिटर्न फाइल किया ना उस दिन भी हम 6,000 का एक टैक्स जमा कर दिया था गवर्नमेंट को। तो ये मिस्टर ए का स्टोरी है। अब मिस्टर ए लेट हुआ क्या रिटर्न फाइलिंग में? हाँ हुआ, 31 जुलाई को उसको रिटर्न फाइल करना जुलाई था को देना था, वो 4 दिसंबर को दिया, वो लेट हुआ। चलो ठीक है बढ़िया, तो उसको इंटरेस्ट लगेगा तो 34A का। हाँ सर लगेगा, वही कैलकुलेशन करना है। चलो तो देखो मिस्टर ए का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, वो कितना कमाया, इनकम टैक्स ऑफिसर उसका इनकम को कितना मान लिया, 6,10,000। अच्छा वो कितना लेट हुआ, 5 महीना लेट हुआ, 4 महीना 5 दिन, 4 महीना 4 दिन, 4 महीना 4 दिन लेट हुआ है वो, है ना? 5 महीना सर। हाँ तो उसको इंटरेस्ट 5 महीना का देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ऊपर लिख दिया पीरियड ऑफ डिफॉल्ट 5 मंथ अगस्त टू दिसंबर, उसका इनकम कितना माना, 6,10,000, तो उसका टैक्स कितना बनना चाहिए, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, मतलब 12,500 रुपया, और 5 लाख से 6,10,000 तक 20%।
और 1,10,000 पे 20%, तो 1,10,000 का 20% कितना होगा, 22,000। 22,000, 22,000 प्लस 12,500 कितना हुआ, 34,500। तो मिस्टर ए का टैक्स बनता है 34,500 का, उसको सरचार्ज लगेगा नहीं, 4% एजुकेशन सेस लगेगा ना उसको, तो 34,500 का 4% उसको एजुकेशन टेस्ट लगा 1380, तो उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन के आया 35,880। वो एडवांस टैक्स दे के रखा है, एडवांस टैक्स 10,000 का दे के रखा है, और उसका TDS भी कटा हुआ है 10,000 का, 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा, तो हम उसका 20,000 माइनस कर लिए, शॉर्टफॉल अभी भी कितना टैक्स बनता है उसका, 15,880 रुपया, इसको पहले राउंड ऑफ किए 15,800 रुपया हो गया, तो 15,800 पे 1% करके 5 मंथ, यानी 15,800 पे 5% उसको इंटरेस्ट लगेगा, 795 उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बना। क्लियर है? क्लियर सर। रिया प्रिया क्लियर है? अब आ जाओ मिस्टर बी के ऊपर, सॉरी ए लिमिटेड, क्या पहले मिस्टर बी को कंप्लीट कर लेते हैं, चलो वो भी इंडिविजुअल है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसका भी रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या था, 31 जुलाई, वो रिटर्न फाइल ही नहीं किया, मतलब वो आदमी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया, तो ITO वेट किया, जब देखा उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, ITO अपने हिसाब से उसका रिटर्न को प्रोसेस कर दिया। कब ITO उसको असेसमेंट कंप्लीट किया, 15 फरवरी को। सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो सेक्शन 140A बोल के एक सेक्शन होता है, 144, उसके हिसाब से ITO अपने हिसाब से तुम्हारा रिटर्न को फाइल कर देते हैं, वो वेट करेगा एक टाइम तक, तुम नहीं आए वो अपने हिसाब से खुद कर लेगा। तो यहाँ पर तुम तो रिटर्न फाइल नहीं किया मिस्टर बी, लेकिन तुम्हारा ITO उसको कब कंप्लीट मान लिया, 15 फेब को। तुम्हारा इनकम एज पर रिटर्न, तुम तो फाइल ही नहीं किए थे तो तुम्हारा कोई इनकम नहीं दिखाया हुआ था, इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारा इनकम कितना मान लिया, 12,00,000 रुपया। तुम्हारा एडवांस टैक्स जमा किया हुआ था 80,000, TDS कटा हुआ था 80,000, तो तुम कितना लेट हुए रिटर्न फाइलिंग करने में, 31 जुलाई से 15 फरवरी, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 7 महीना सर, 7 महीना का इंटरेस्ट तुमको लगेगा। तो देखो सबसे पहले उसका पीरियड कैलकुलेट हुआ 7 महीना, तुम्हारा इनकम कितना माना ऑफिसर, 12,00,000, तो आओ स्लैब रेट लगाते हैं, 2,50,000 तक कुछ नहीं, 2,50,000 से 5,00,000 तक 5%, मतलब 12,500 रुपया, 5,00,000 से 10,00,000 तक 20%, तो 5,00,000 का 20% कितना होगा, 1,00,000 रुपया, और 10,00,000 के ऊपर 30%, तो 10,00,000 से कितना ऊपर है तुम्हारा, 2,00,000 और, तो 2,00,000 का 30% कितना होगा, 2,00,000 का 10% होगा 20,000, 60,000 रुपया, तो 60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 12,500, 1,72,500 तुम्हारा टैक्स बनता है। देखो ITO कैलकुलेट किया, एक मिनट, 1,72,500 तुम्हारा टैक्स बनता है, सरचार्ज कुछ है नहीं, एजुकेशन सेस लगा 4%, तो 1,72,500 का 4%, 6,900 तुम्हारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनता है, 1,79,400। तुम एडवांस टैक्स कितना दे के बैठे हो, एडवांस टैक्स और TDS मिला के 80,000, 80,000, 1,60,000, तो अभी भी तुम्हारा 19,400 रुपया टैक्स जमा होना बाकी रह गया, तो 19,400 पे 7%, या यूं बोल लो 19,400 पे 1% इंटू 7 मंथ, क्योंकि 1% पर मंथ है, तो इंटू 7% कर लो, एक ही बात है, तो 19,400 पे 7% इंटरेस्ट, 1,358। ठीक है? यस सर। अब आ जाओ मिस्टर ए लिमिटेड के ऊपर, कंपनी के ऊपर। कंपनी का रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या था, 30 सितंबर। फाइल कब किया, 30 जनवरी। इनकम टैक्स ऑफिसर अपना असेसमेंट कंप्लीट कब किया, 15 अप्रैल। इनकम एज पर रिटर्न, तुम्हारा इनकम दिखाया हुआ 5,00,000, ऑफिसर बोला 5,00,000 नहीं कमाया तुम्हारा कंपनी, 5,50,000 कमाया,
तुम्हारा एडवांस टैक्स दिया हुआ है 25,000, तुम्हारा TDS जमा है 15,000, और तुम जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस दिन भी तुम 1.5 लाख का टैक्स जमा कर दिए थे। जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस दिन जो टैक्स जमा किए हो वो माइनस नहीं करना है, लेकिन कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ TDS और एडवांस टैक्स का छूट मिलेगा। तो 5.5 लाख तुम्हारे इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम माना। कंपनी पे कितना टैक्स लगता है? कंपनी पे स्लैब रेट नहीं लगता, कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस में डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है, ये बात ध्यान में रहे। कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस में डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है। तो तुम्हारा टैक्स कितना आएगा 5,50,000 का? 1,65,000। उस पर 4% एजुकेशन से 6,600, तो 171,600 तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी हुआ। तुम्हारा कंपनी ऑलरेडी एडवांस टैक्स और TDS कितना दे के रखा है? 25,000 और 15,000, मतलब 40,000 ऑलरेडी जमा है, वो माइनस कर लो। 1,31,600 तुम्हारा जिस दिन रिटर्न फाइल हुआ उस दिन टैक्स बाकी था। तो उस पर कितना दिन का डिले हुआ तुम्हारा एज अ कंपनी? 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करना था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना, तो 4 महीना का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 1,31,600 इंटू 4% कर लो, या इंटू 1% इंटू 4 मंथ कर लो, तो 5,264 तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। यानी एक बात समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे दो डेट का कहानी है, एक तो हम किस दिन रिटर्न फाइल किया और एक दिन किस दिन मेरा ऑफिसर उस असेसमेंट को कंप्लीट किया। इन दोनों में से जो डेट अर्लियर है, आई रिपीट, तुम जिस दिन रिटर्न फाइल किए या जिस दिन तुम्हारा ऑफिसर रिटर्न को कंप्लीट माना, उन दोनों में से जो डेट अर्लियर है वहीं तक इंटरेस्ट लगेगा। अगर तुम्हारे रिटर्न फाइल करने के पहले ही तुम्हारा ITO तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, तो जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट हुआ उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा। यानी तुम रिटर्न फाइल किए या तुम्हारा ITO असेसमेंट कंप्लीट किया, विच एवर डेट इज अर्लियर तक का इंटरेस्ट लगेगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये है सेक्शन 234A का कहानी। अब इस पे आपको सम दिया है, वो अपने अपने को करना है, और अपने नेक्स्ट डे में 234B और C कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर डन।